हाय वेलकम बैक टू द बासवत बायोलॉजी चैनल मैसल डॉक्टर फैसल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है किंगडम अनिमालिया जिसमें ऑलरेडी हमने बहुत सारे फाइलों को स्टडी कर चुके वो फाइला ये है फाइलम पोरीफेरा निडारिया टीनोफोरा प्लेटी हेलमेंथिस एसके हेलमेंथिस एनेलिडा आर्थरोपोडा मलुस्का इकानोडारेटा एंड हेमिकोडेटा आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइलम कॉर्डेटा को तो कॉर्डेटा के अंदर जो स्पेशल कैरेक्टर्स हमको या स्पेशल फीचर्स उन एनिमल्स में देखने वाले तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर इनमें होता है द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड यानी से बना हुआ एक नोटोकॉर्ड होता है और प्रेजेंट कब होता है एटलीस्ट कम से कम उसके अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी अगर होगा तो उसे इस फाइलम के अंदर रखा गया कॉर्डेटा के अंदर रखा गया अब द क्वेश्चन अराइज वॉट इज अ अड तो नोटोकॉड इज अ फ्लेक्सिबल रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है ये फ्लेक्सिबल रॉड जैसा स्ट्रक्चर जैसे कि आप यहां देखेंगे दिस इज द ये रॉड है यहां से लेकर यहां तक रखा गया दिस इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉड एज अ अड तो ये नोटोकॉड जनरली इट इज अ

इन में हमको देखने को मिलते हैं ये नोटोकॉट की वजह से ओके नाउ और कौन से फीचर्स कॉडिटा के एनिमल्स में हमको होते हैं वो देखना है तो वो है द प्रेजेंस ऑफ अ गिल स्लिट्स इन अ नेक रीजन यानी गिल स्लिट्स जो है तो नेक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है नेक मतलब फैरिंग्स वाला रीजन होता है इसलिए उसे फैरिंग गिल स्लिट्स कहा जाता है अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो गिल्स तो ह्यूमन में नहीं होते या नहीं होते लेकिन कब होते हैं मैच्योरिटी जब बेबी का डेवलपमेंट होकर मैच्योर होकर बर्थ होता है तो उसमें गिल्स नहीं होते लेकिन अगर हम ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलपमेंटल स्टेज में देखते हैं तो वहां पर हमको फेरेंजियल गिल्सलिट्स मिलते हैं इसलिए कॉडेटा का कैरेक्टर यहां पर रखा गया सो so, ये फेरेंजियल गिल्सलिट्स मतलब द फेरिंग्स रीजन इन नेक रीजन के अंदर वहां पर कुछ ओपनिंग्स होते हैं जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं फ्यू एनिम एनिमल्स में तो वो फेरेंजियल गिल्सलिट्स कहा जाता है ये इंपॉर्टेंट पहला नोटोकॉर्ड का होना दूसरा फेरेंजल गिल स्लेट्स का होना नेक्स्ट कैरेक्टर है द प्रेजेंस ऑफ अ नर्व कॉर्ड एक नर्व कॉर्ड होता है जो कि डॉर्सल रीजन में है और थ्रू आउट द लेंथ ऑफ तो बॉडी पूरे बॉडी में ये प्रेजेंट रहेंगे हेड टू द एंड वो जो नर्व कॉर्ड है वो लोकेट होता है इनटू द डॉर्सल रीजन दिस इज द नर्व कॉर्ड देखिए यहां पर ये नर्व कॉर्ड जो कि लगाया गया डॉर्सल रीजन में दिस येलो कलर लाइन जो देख रही है दिस इज द नोटोकॉड उसके सॉरी दिस इज द नर्व कॉड और उसके नीचे है नोटोकॉड ओके डॉर्सल नर्व कॉड और उसके नीचे है नोटोकॉड याद रखिए यहाँ पर ये हो गया तीसरा कैरेक्टर दर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ हार्ट विच इज लोकेटेड एट वेंट्रल इन पोजिशन और हार्ट इनमें प्रेजेंट होता है वेंट्रल पोजिशन में रखा गया देखो प्रीवियस नॉन uh, कॉर्डेट्स देखे उनके अंदर सब में हार्ट वॉज लोकेटेड टू द डॉर्सल एंड नर्व कॉर्ड वॉज लोकेटेड टू द वेंट्रल अब पोजिशन यहां पर चेंज होगी इट इज लोकेटेड टू वेंट्रल इन पोजिशन द हार्ट यहां पर वेंट्रल में रखा गया ये यह होगा यहां पर इसका नेक्स्ट कैरेक्टर अब हम फाइलम कॉर्डेटा को डिटेल्ड में वन बाय वन उसके डिविजन क्यों से है उसके क्लासेस कौन से सुपर क्लासेस क्या है उसके क्लासेस uh, कौन से उनके कैरेक्टर्स क्या है उनके एग्जांपल्स क्या है ये पूरा डिटेल हम कॉडेटा को स्टडी करने वाले थोड़ा वीडियो बड़ा है लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है इसमें डिटेल हम वन एक ही अटेम्प्ट में पूरा कॉडेटा फिनिश करने वाले ओके सो so, लास्ट तक वीडियो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम कॉडेटा विच इज डिवाइडेड इन द थ्री सब फाइलम देखो तीन में डिवाइड किया गया है। नंबर वन सब फाइल इजेटा सेकेंड कॉर्डेटा थर्ड इज वर्टिब्रेटा ओके ये तीन सब में डिवाइड किया अब हम वन बाय वन हर एक सब को स्टडी करने वाले उसके कैरेक्टर को उसके एग्जाम्पल्स को चलिए तो स्टार्ट करते यूरो डेटा के अंदर जितने एनिमल्स होते हैं उन सब एनिमल्स को ट्यूनिकेट्स या इसे सब फाइलम ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है इसे असाइड भी कहते हैं याद रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर इसे ट्यूनिकेट्स या ट्यूनिकेटा कहा जाता है क्यों कहा जाता है हम उसको देखने ही वाले ये जितने एनिमल्स इस सब आलम में रखे गए हैं ये सब के सब दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन यानी फ्रेश वाटर में एक भी एनिमल इनका नहीं मिलता दे आर ओनली फाउंड इन और ओशन या सी वाटर के अंदर हमको देखने को मिलेंगे इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और एक कवर चढ़ाया जाता है वो कवर को ट्यूनिक कहते हैं जो कि एक खास केमिकल से बनी है जिसका नाम ट्यूनिसिन एक्चुअली ट्यूनिसिन इज नथिंग बट इट इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन यहाँ पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसे ट्यूनिक कहते हैं यानी एक कवर है ये जनरली सी हाउ इज दिस कवर ये है वो कवर यहाँ दिख रहा है आपको पतला सा कवर है बॉडी के ऊपर ट्यूनिक इसलिए ये पूरे एनिमल को ट्यूनिकेटा में यानी ट्यूनिकेटा कहा जाता है यूरोकॉर्डेटा क्यों कहा गया यूरोकॉर्डेटा इसलिए कहा जाता है कि इन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है ओनली इन अ टेल कहां पर है उसके दुम में होता है लेकिन दुम किसकी इट इज लार्वा जब बड़ा होता है मेटामोस में ग्रो होता है मैच्योर एडल्ट होता है तो वो दुम चली जाती है और नोटो भी चला जाता है इसलिए तो कहा के कैरेक्टर में एटलीस्ट इन अर्ली स्टेज में भी अगर वो रहा तो भी उसको वहां पर रखा गया क्योंकि ये इसके डेवलपमेंटल स्टेज में यहां पर हमको नोटोकॉड मिला है सी दिस इज द लार्वल लार्वल स्टेज स्टेज। स्टेज एडल्ट तो के अंदर हम देखते हैं कि यहां पर टेल में this is the tail, okay? tail के अंदर हम देखते नोटोकॉड यह और उसके ऊपर होता है यहां पर नरकॉड ये नोटोकॉड का प्रेजेंट होना जैसे ये यह दुम यहां से टेलिस की जैसे मेटाम में चले जाती है तो यहां नोटोकॉड एडल्ट में नहीं दिखता लेकिन था लार्वल स्टेज के टेल में था

कैरेक्टर uh, जो अभी हमने डिस्कस किए द सेकंड एग्जांपल इज अ सल्पा ये एनिमल है जो यूरोकॉर्डेटा में इंक्लूड किया गया है। थर्ड एंड द लास्ट एग्जांपल इज अ डोलियोलम, ये भी एनिमल यूरोकॉर्डेटा के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है सो जस्ट मूव बैक जैसे कि हमने देखे कि कॉर्डेटा तीन सब फाइलम में जिसमें हमने यूरोकॉर्डेटा को स्टडी कर चुके नाउ विल मूव टू द सेकंड दैट इज अ नाउ ये एनिमल्स जनरली दे आर ऑल दीज आर आल्सो द एक्सक्लूसिवली मराइन इन इनका भी ये अक्सर हमको एनिमल मराइन वाटर में ही मिलने वाले हैं सो दे आर हैविंग द मराइन हैबिटेट इनको कॉमनली लैंसलेट कहा जाता है क्यों क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट छोटी सी एक फिश जैसी जो कि एक एक सेंटीमीटर से भी ज्यादा बड़ी नहीं होती दे डू नॉट एक्सीड मोर देन अ सेंटीमीटर तो एक छोटी सी मछली जैसी स्ट्रक्चर इनका लेकिन कैसा ट्रांसलूसेंट होते हैं ट्रांसपेरेंट दिखते हैं तो उसे लेंसलेट कहते हैं सो so ये बिल्कुल ये है वो एग्जांपल द मेंबर्स ऑफ दिस सेफेलोकोर्डेटा टी लेंसलेट्स दे आर पार्टलीburied इन सॉफ्ट मरीन सेडिमेंट यानी मराइन सेडिमेंट किसे कहेंगे इसकी कि, uh, ओशन का और सी का जो नीचे का बॉटम होता है वहां जो सॉफ्ट मिट्टी वगैरह जो सेटल होती है सेडिमेंट होती है उसमें ये अपने आप को बरो कर कर रहते हैं ओके ये है देखो पानी और ये नीचे का सेडिमेंट है इसलिए दे आर हैविंग दिस हैबिट ऑफ पार्टली बरीड होते बरीड मतलब अंदर अपने आप को थोड़ा सा uh, uh, बरो कर कर रहते हैं दीज एनिमल्स आर हैविंग द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड ये तो कंडीशन हमको पता है सब में जितने भी हम यहां से आगे सब देखने वाले सब में एक स्ट्रक्चर होना कंडीशन है वो है नोटोकॉड वहीं कहीं पर नोटोकॉड का मॉडिफिकेशन आगे आगे देखेंगे सो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड इज ऑब्जर्व हियर लेकिन ये नोटोकॉड कैसा होता है दिस इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लैंड यानी हेड से लेकर टेल तक और लार्वल से लेकर एडल्ट तक यानी थ्रू आउट द लाइफ

देखने को मिलते हैं सो दिस एनिमल्स दे आर हैविंग द पोस्ट एनल देखो दिस इज एनस के बाद यहां पर और एक यानी वाला यहां हमको देखने को मिलता है। ये के अंदर की सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ अ क्लोज्ड टाइप क्योंकि यहां पर ओपन साइनस नहीं होता है बॉडी फ्लूइड विद इन द ब्लड वेसल्स एंड पंपिंग ऑर्गन उसको फ्लो किया जाएगा सो देयर Uh, this type of the circulation is called as the closed and inke blood mein koi pigments nahi hote so the blood is not having any pigments the examples of the cephalochordata we are having only the one example included in your syllabus that is the branchiostoma jise amphioxus या लेंसलेट भी कहा जाता है देखिए ये एम्फियोक्सस के साथ ट्रांसपेरेंट होता है इसलिए से लेंसलेट कहा जाता है सो दिस इज the अबाउट द सेकेंड सबफाइलम

अ वर्टिब्रल कॉलम लेकिन वो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है कुछ एनिमल्स में से या प्रिमिटिव एनिमल्स के अंदर वो कार्टिलेज से बना हुआ है और कुछ एनिमल के अंदर वो बोन में डेवलप हो गया जैसे कि आपके सामने एक व्यू है कि यहाँ पर जैसे कि दिस इज द नोटोकॉड नोटोकॉड जिसके ऊपर आपको नर कॉड दिख रहा है न्यूरल ट्यूब है उसके बाद डेवलपमेंटल स्टेज में यहीं पर ये नोटोकॉड के सराउंडिंग में यहाँ पर एक कॉलम ल बोन स्ट्रक्चर या कार्टिलेज से बना हुआ स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है और यही इसको रिप्लेस करता है ओके? Okay? So, okay? अब हम देखने वाले वर्टिब्रेटा तो वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू द डिविजन ओके इट इज डिवाइडेड इनटू द डिविजन इसमें हमको दो डिविजन देखने को मिलने वाले द नंबर वन डिविजन इज

हम वन बाय वन देखेंगे चलिए तो प्रेजेंस ऑफ जॉज ऑप्शेंस ऑफ जॉस में जो हैं आनाथोस्टोमेटा। आनाथोस्टोमेटा, सा क्योंकि में नहीं होते है। इसके अंदर एक ही क्लास है फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं तो इट इंक्लूड ओनली वन क्लास ऑफ लिविंग वर्टिब्रेट सिर्फ एक ही इसके अंदर क्लास है इस इस्टोमेटा में इट ओनली वन क्लास क्लास का नाम है

स्किन ऑफ दिज एनिमल्स देखो ये फिश जैसी दिखती है लेकिन ये एनिमल्स में फिश जैसे स्केल्स नहीं होते इनके स्किन के ऊपर ऐसे स्केल्स आर नॉट ऑब्जर्व स्के ऐसी होती है इनकी स्किन दे आर हैविंग द सॉफ्ट एंड स्मूथ क्योंकि उसके ऊपर वहां पर कुछ सीक्रिट करने वाले ग्लैंड हमको देखने के मिलते हैं यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड होते हैं एक ही सेल से बने हुआ ग्लैंड होता है जो कि वहां पर म्यूकस म्यूकस की चिपचिपा सा स्लिपरी सिक्रीशन होता है स्केल्स नहीं होते। याद रखना, तो ये एनिमल है जिसकी स्किन सॉफ्ट है मॉइस्ट है एक ही है, होती है सिंगल होती है ओके दिस इज द मेडियन फिन यहां दिख रही है आपको दिस इज अम फिन एंड यहां पर आपको दिखेंगे दिस इज दूड़िया नहीं होती सिंगल वाली होती है एक ही होती है मीडियन फिन ये एनिमल की खास कैरेक्टर है यानी ये दूसरे एनिमल पर अपने नरिशमेंट के लिए रह, जिंदा रहते हैं जैसे कि कोई अगर दूसरी फिश है तो उसको ये आ, उसको चिपक जाते हैं क्योंकि ये एक्टोपैरासाइट है चिपकने की वजह क्योंकि दे आर हैविंग द ओरल, इनका जो माउथ होता है वो सकिंग एंड सर्कुलर होता है विदाउट चॉस ऑलरेडी हमने देखी कि इनका मूव सर्कुलर होता है इसलिए स्टोमा मीन होप

डाय में इनके स्टमक नहीं देखा गया जस्ट द डायफ़ दिस एनिम दे आर है ईसोफाइगसोगस के बाद लीवर है गोल ब्लैड और हमको देखने को इंटेस्टाइन है लेकिन बीच में कहीं पर भी इंटेस्टाइन से पहले स्टमक होना चाहिए तो यहाँ पर स्टमक नहीं है डायरेक्टली बाद में वहां पर एंड ऑफ दिस इज अनस सो दे आर नॉट है

गिल स्लिट्स पर कहीं पर भी कवर नहीं लगाया गया जिसे ऊपर ये गिल स्लिट्स है आगे आने वाले में हम देखते हैं कि एक कवर होता है जिसे कहा जाता है इनमें कोई कवर नहीं है दे आर ओपन नेकेड इसलिए विदाउट ऊपर कहा जाता है द हार्ट ऑफ द साइक्लोस्टोमेटा इज टू चेंड जिसमें एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है बस ये दो ही चेंबर होता है इसमें इतना ही डेवलपमेंट है गोनेड अब गोनाइट किसे कहते हैं एक ऐसा ऑर्गन जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है यहां पर एक सिंगल है इट इज लार्ज और इसमें कोई डक्ट नहीं है गैमेट को लेकर जाने के लिए इसलिए नो गोनोडक्ट इज ऑप्सर्ड फर्टिलाइजेशन इनका यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इट ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी इसलिए एक्सटर्नल होता है एक स्पेशल कैरेक्टर इनमें होता है दीज आर कॉल्ड द एनाड्रोमस ओके एनाड्रोमस कहते हैं कि एक एनिमल जिस हैबिटेट में यानी हमारा इन वाटर एनिमल है ये मराइन वाटर में रहता है वहां से मैच्योर होता है मैच्योरिटी के लिए जैसी आ, अंडे देने का यानी डिपॉजिट करने का होता है तो ये वहां से फ्रेश वाटर में जाता है ओके अब डायग्रामेटिक हम आपको एक बस ये इसका तो नहीं है बट आपको आइडिया क्लियर करने के लिए बता रहे हैं कि जैसे कि अगर ये एनिमल जो कि मराइन वाटर में रहने वाला होता है ये मराइन वाटर से माइग्रेट करता है ईस्टराइन से फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर में जाएगा वहां जाने के बाद अपने अंडे को डिपॉजिट करता है डिपॉजिट करने के बाद वहां पर कुछ दिन बाद आफ्टर स्पॉनिंग वो वहां मर जाता है मरने के बाद अब वो तो खत्म हो गई उसकी लाइफ लेकिन जो अंडे वहां पर डिपॉजिट किए गए अंडे के हैचिंग होती है उससे निकलने वाले उसके लार्वल स्टेज होते ये लार्वी वहां पर मेटामॉर्फिस करते बड़े होते मैच्योर होते और वहां से देखो मेच्योर फ्रेश वाटर में और वहां से वो माइग्रेट होते वापस ओशन में या मराइन वाटर फिर ये वहां से वापस आते हैं यहाँ पर ये जो हैबिट जिन एनिमल्स में होती है उन एनिमल्स को एनाड्रामस एनिमल कहते हैं और ऐसी इसकी अगर उल्टी कंडीशन है फ्रेश वाटर में रहते हैं और फिर मराइन में जाते हैं आगे दे कम इन्हें कहते हैं कैटाड्रामस अब यहाँ पर आपको एनाड्रामस ही इंक्लूड किया गया है देन द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा ये अभी जो कैरेक्टर्स हमने स्टडी किए ये कैरेक्टर्स जिन एनिमल्स में होते हैं जिसका एग्जांपल नंबर वन इज अ लैम्प्रे जिसे पेट्रोमाइजोन कहा जाता है दिस इज द लैम्प्रे देन सेकेंड मैगजीन जिसे हैग फिश कहते हैं दिस इज द मैगजीन ये ऐसे इसका अगर हम उसका साइक्लोस्टोमेट यानी उसका मुंह को अगर हम देखते हैं तो ये जूम करने के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखता है सो so,

ये टा को डिवाइड किया गया है टू सुपर क्लासेस में लेकिन किस बेसिस पर किया गया कि ये एनिमल्स लोकोमोट कैसे करते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे है लोकोमोटरी ऑर्गन ऐसे एनिमल जिनके अंदर फिंस होते हैं उनको कहा पाइसेस सुपर क्लास पाइसेस और जिनके अंदर चार पैर या हाथ होते हैं जिसे टेट्रापोडा का तो इन दोनों में भी जॉज हमको देखने को मिलेंगे ओके

पाए जाते हैं एनिमल्स है दूसरा दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल इनका ब्लड कोल्ड होता है इन एनिमल्स में एक लेटर लाइन सिस्टम होती है जिसे रियो रिसेप्टर कहते हैं ये देखिए यहां पर ये दिख रहा आपको यहां पर ये लाइन जैसा दिख रहा है ऊपर नीचे की दिस इज द कॉल द लेटर लाइन ये एनिमल्स में इनको ये एक रिसेप्टर का, का काम करता है और इन्हें हेल्प करता है टू फाइंड आउट द वाटर करंट कि पानी किस तरफ बह रहा है ये उसको डिटेक्ट करने के लिए इनको रिसेप्टर बनाया गया इनके बॉडी के अंदर मसल्स और फिंस होते हैं जिसकी हेल्प से ये एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करते हैं लेकिन हम क्या करें दे आर हैविंग द द द स्पेशली लोकोमोटरी एज ये खास यहां पर फिंस को हम ये करने वाले हैं ओके इनमें फिंस में जो कॉडल होती कॉडल माना होता है दुम ये कॉडल फिन एक स्टेरिंग की तरह काम करती है जैसे कि एक गाड़ी की या फोर व्हीलर की जो स्टेयरिंग होती है वो स्टेयरिंग की हेल्प से हम राइट right या लेफ्ट डायरेक्शन में या हमको टर्न करना है उसके लिए सपोर्ट से हम कर सकते हैं तो ये एनिमल में ये स्टेयरिंग का, का काम करती है दिस कॉडल फिन ओके इंपॉर्टेंट काम करती है बाद में इन एनिमल के बाहर का जो है, स्केलेटन है जिसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं उस पर स्केल्स होते हैं कुछ एनिमल्स में ऐसे छोटे स्केल्स होते हैं कुछ एनिकल्स एनिमल्स में कुछ ऐसे बड़े स्केल्स होते हैं आगे हम देखने वाले ये किस एनिमल में कैसे होते हैं इनके कैटेगरीज को हम जब सब डिवाइड करते जाएंगे ओके अंदर एंडोस्केलेटन इज ऑफ कार्टिलेज या आइधर मेडअप ऑफ द बोन ये इंपॉर्टेंट है यहां पर अब दो कैरेक्टर यहां हमको यानी दो बोन है या कार्टिलेज से बना हुआ एंडोस्केलेटन है क्योंकि वर्टिब्रेटा का एनिमल है इसलिए इसमें स्केलेटन इज प्रेजेंट तो हम उसको आगे डिवाइड देखने वाले इन एनिमल्स की बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइन बोथ शेप होता है टू तो मिनिमाइज द रेजिस्टेंट ऑफ वाटर यानी जिस पानी में ये रह रहे या याटिक हैबिटेट है तो पानी को कट करते हुए इनको यानी उसको करंट को कट करते हुए आगे जाना है पानी ने इनको पीछे अगर ढकेल देगा तो उस रेजिस्टेंट को कम करने के लिए इनकी बॉडी के शेप को स्ट्रीमलाइन बना स्ट्रीमलाइन का मीनिंग समझ लो आगे से भी टेपरिंग है नैरो है और पीछे से भी नैरो है और बीच में ब्रॉडर होता है ऐसे शेप को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन शेप ये ऐसे एनिमल्स में खास कैरेक्टर को बनाया गया इन एनिमल्स के अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गन इज गिल्स, ये रिस्पायरेशन करते हैं गिल्स की हेल्प से हार्ट इज वेंट्रल इन पोजिशन ये पूरे एनिमल्स कॉडेटा में ये कैरेक्टर कॉमन है हार्ट इज वेंट्रल नरकोड इज डॉर्सल ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है आपको द तो हार्ट इज वेंट्रल टू चेम्बर्ड

कि ऑल फैक्ट्री लोग करता क्या जनरली दिस इज द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम यहां पर सेंसेशन ऑफ स्मेल स्मेल करने में ये इनको काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट uh, करता है इसलिए इनको अच्छा डेवलप कराया अच्छा गया इनके अंदर सेक्सेस को सेपरेट किया गया मेल और फीमेल बिल्कुल क्लियरली हमको देखने को मिलते हैं प्रोमिनेंट होता है मोस्टली दे आर ओवीपेरस अंडे देने वाले होते हैं कुछ है जो डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वंस जिसे विवीप कहा जाएगा देन अब हम सुपर क्लास स्पाइसेस को फिर डिवाइड करने वाले दो अलग-अलग पार्ट्स -अलग यानी दो अलग-अलग क्लासेस -अलग में कैसे करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंडोस्केलेटन एंडोस्केलेटन इसका कैसा बना है वेदर एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ अ कार्टिलेज तो उसे कहते हैं कॉन्ड्रिच थाइस कॉन्ड्रो कहते हैं कार्टिलेज को द स्टडी ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड एज द कोंड्रोलोजी सेकंड इज द एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ द बोन ऑस्टियो यानी बोन स्टडी ऑफ बोन अभी हम दो क्लास देखने वाले सुपर क्लासिसके चलिए तो हम देखेंगे नंबर वन मेडअप ऑफ ऑफ कार्टिलेज कॉन्ड्रीस्थाइस के अंदर जितने भी एनिमल्स इंक्लूड किए गए हमेशा वो मराइन पानी में रहेंगे से से बना बना ये ये तो तो है है इसलिए उसको तो पर पर किया गया ओके uh, नया यहां पर, इसके बाहर जो स्केलेटन है स्केल्स तो सब में है लेकिन इनके स्केल कैसे द स्केल्स दे आर प्लेक् स्केल्स प्लेक्ड मीन देखिए अभी हमने पहले देखे ये इतने अगर इस प्लेक्ट स्केल को अगर हम और जूम करते हैं तो ये लुक

स्केल्स ओके मॉडिफिकेशन कर कर बनाया गया इनका जो माउथ ओपनिंग होता है वो वेंट्रल पोजीशन पर देखो ये डॉर्सल होता है बॉडी का ये टर्मिनल पॉइंट है और ये नीचे है वेंट्रल वेंट्रल ये नीचे की तरफ होता है 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 इसलिए इसको इन कहा गया इनमें डॉर्सल फिन एक ही होती सी दिस इज द डॉर्सल फिन जो कि यहां पर सिंगल है ओके okay? आगे आगे देखेंगे उसमें कंपैरिजन हो जाएगा आपको यहां पर सिंगल डॉर्सल फिन है लैटरल फिन्स टू पेयर्स होते हैं दो जोड़ी होती है ओके okay, एक जोड़ी है पैक्टोरल दूसरी है ओके टू okay, है चलिए यहां पर लैटरल में दिस इज़ द वन पेयर एक इधर है एक उधर है जिसे हम कहेंगे वन पैक्टोरल फिन और दूसरी इधर है दूसरी एक जोड़ी इधर होती है इसलिए पेल्विक तो पैक्टोरल पेल्विक कैसे है? टोटल यहां पर फोर लैटरल फींस हमको ऑब्जर्व करने को मिलते हैं इन एनिमल्स की जो कॉर्डल फिन है दो माली वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है इसलिए कहा हेट्रो सर्कल या असिमेट्रिकल जैसे कि देखिए ये एनिमल के अंदर हम देखते हैं कि इक्वली दोनों का साइज इक्वल डिवाइड किया यहां लेकिन यहां ऐसा नहीं है एक साइज बड़ा है और एक साइज छोटा है इसे कहते हैं हेट्रो सर्कल या असिमेट्रिकल कॉडल फिन देन द कॉन्ड्रिस्थाइस मेंबर्स दे आर हैविंग द

इन एनिमल्स में कॉन्टेस्थाइस के अंदर पाए जाने वाले जो कार्टिलीजिन फिशेज है इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता ठीक है ये है एयर ब्लैडर ये एयर ब्लैडर आने वाले जितना आगे का जो हम बोनी फिशेज है उसमें हमको ये देखने को मिलता बट इन एनिमल्स में नहीं है इस वजह से इन एनिमल को कॉन्स्टेंटली स्विमिंग करना पड़ता है अगर ये स्विम नहीं करेंगे तो शायद वो पानी के अंदर डूब जाएंगे

इलेक्ट्रिक रे फिश है इसके अंदर इलेक्ट्रिक एक ऑर्गन बनाया गया ये ऑर्गन जनरली 8 से 220 वोल्ट तक करंट जनरेट करता है ओके चलिए ये फिश ये, ये है टोर्पेडो कितना 8 टू टू ट्वेंटी वोल्ट का करंट ये जनरेट करता है जिसकी वजह से इनका जो शिकार प्रे होता है ये उसको यानी उसकी मूवमेंट को ये करंट लगने का जैसे वो एक जगह रुक जाता है ये उसको खा लेते हैं या फिर अपने दुश्मन से लड़ते वक्त डिफेंस मैकेनिज्म में, में भी इसका ये यूज करेंगे दूसरे कुछ है जिनके अंदर यहाँ पर पॉइजन स्ंग यानी डंक मारने वाला भी एक स्ट्रक्चर बनाया गया जिसकी वजह से वो अपने शिकार पर हमला करते हैं। एग्जाम्पल है ट्राइगॉन जिसे स्टिंग रे फिश भी कहते हैं स्टिंग रे फिश जो अपने इस खास खूबी से अपने शिकार को पकड़ लेती है देन मेल ऑफ द

कॉमन स्केट ये एक कॉमन स्केट एग्जाम्पल जो इसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है हैमर हेडेड फिश हथोड़ी जैसा इनका फ्रंट व्यू होता है इसलिए सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द क्लास कॉन्ड्रिस्थाइस ओके पाइस के अंदर नी द सेकेंड क्लास इज ऑस्टिश थो में ऑस्टिस्थाइस के अंदर जो एंडोस्केलेटन होंगे बोन ये तो पहले ही हमने बताया कि डिफरेंस की वजह से तो इनको अलग अलग किया गया है कि दे आर कॉमनली कॉल द बोनी फिशेज अंदर बोन प्रेजेंट रहेगाबिट ऑफ दिस एनिमल इज बोथ दे कैन दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मराइन वाटर दोनों हमें पानी में हमको देखने को मिलते हैं अब इनका जो एक्सकोसेलेटर है वो स्केल्स यहां पर जो रहेंगे डरमल स्केल्स रहेंगे एक तो साइक्लाइड रहेंगे नहीं तो टेनाइड रहेंगे वाले स्केल्स आपको दिखेंगे shape, ऐसे होते हैं, थोड़े बड़े के होते हैं। और टीनॉइड वाले सर्कुलर तो होते जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बाहर की तरफ से टूथ एज होते हैं सो दिस आर दिन स्केल दोनों में पहले वाले में हमने देखे कार्टिलेज वाले में वहां पर था प्लेक्ड यहां पर साइक्लॉइड एंड टीनोइड ओके ये रखना यहां उंट टर्मिनल इन पोजिशन है आखिरी एंड पर होता है लेकिन प्रीवियस में हमने देखे वो वेंट्रल में था टर्मिनल में नहीं था इनमें डॉर्सल फिन दो होते हैं पहले वाले में हमने डॉर्सल फिन एक देखे यहां पर डॉर्सल फिन दो रहेंगे ओके ये डॉर्सल रीजन है यहां पर टू आर प्रेजेंट टेल फिन इनमें होमो सर्कल होती है यानी दे आर इक्वली सिमेट्रिकल होते हैं लेकिन प्रीवियस में हमने देखे इट वॉज अट्रोसर्कल गिल्सलिट्स वहां पहले ज्यादा थे यहां पर गिल स्लिट कम होते हैं चार पेयर होते हैं और चारों के ऊपर वहां पर एक कवर चढ़ाया जाता है जिसे कहते हैं कवर दैट कवर इट इज कॉल्डर कुलम ये खास चीज है इनके अंदर बोनीफिश के अंदर एरब लेडर टू में बायोसी ऑलरेडी हमने कहा कि इनके अंदर एरब लेडर पहले वाले में एयर ब्लैडर नहीं था इसलिए उनको स्विमिंग करना पड़ रहा था लेकिन इनके अंदर ये आसानी से दे आर हैविंग फ्लोट ऑन द बिकॉज ऑफ ऑफ प्रेजेंस दिस एयर ब्लैडर इनको स्विमिंग कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं होती इनमें इनके मेल में क्लास्पर यानी मेल कॉपोलेटरी ऑर्गन नहीं होता जो पहले वाले में हमको देखने को मिला इसलिए इनका फर्टिलाइजेशन गैमेट्स वाटर में रिलीज किए जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल ज्यादातर ये अंडे देने वाले होते हैं वीवी सॉरी ओवी ओवीपेरस होते हैं एग्जांपल्स ऑफ दिस क्लास ऑस्टियोस्थाइस इज एक्सोसिटस इसे फ्लाइंग फिश कहते हैं uh, ये इसके जो पेक्टोरल फींस होते हैं इसके मदद मतलब से ये बड़े आसानी से दैट कैन लिप आउट ऑफ द वाटर पानी से थोड़ा ये जंप कर कर फिर वापस अंदर पानी में चले जाते हैं इसलिए इसे फ्लाइंग फिश नाम कहा जाता है हिपो इट लुक्स लाइक द हॉर्स सो इसे सी हॉर्स भी कहा जाता है ये हिप्पोकैम्पस एग्जाम्पल हुआ फॉर्मफ्रेट इज आल्सो नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस बोनी फिशेस देन लैबियो रोहिता जिसे रोहू कहा जाता है ये फ्रेश वाटर में हमको देखने को मिलते हैं देन कटला कटला निसास आल्सो द मेंबर ऑफ द बोनी फिशेस देन क्लैरियस जिसे कैटफिश कहा जाता मकर कहा जाता है ये बिल्कुल कैट जैसे मस्टैचेस इसमें होते हैं ये भी एग्जांपल है बोनी फिश का सो वी आर हियर सुपर क्लास

Organs, a habitat, में के कैसा है उनका यूज कैसा कर रहे हैं ये चार क्लास को हम वन बाय देखने वाले जो एनिमल्स इंक्लूड किए जाते हैं इनका हैबिटैट हमको देखने को मिलता है कि दे आर द एनिमल विच आर फाउंड ऑनड एज वेल एज इन अ वाटर ये हमको जमीन पर भी मिलते हैं और पानी में, में भी देखने को मिलते हैं एंड मोस्टली दे आर अ फ्रेश वॉटर ओनली मारा इन वाटर में नहीं होते हैं दीज आर ऑल्सो दिलोर्मिक एनिमल्स यानी दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ने कहा जाएगा द बॉडी कैन बी डिड इन टू द टू रीजन बिल्कुल इनका हमको हेड दिखता है और ट्रंक दिखती है दिस इज देड रीजन यहाँ से यहाँ और उसके बाद का रीजन दिस इज कॉल्ड द ट्रंक सो वेरी क्लियरली आर टू रीजन हेड एंड ट्रंक इन एनिमल्स में मोस्टली कुछ छोड़कर फ्यू विथ फ्यू एक्सेप्शन दे आर नॉट हैविंग हैविंग द नेक नॉट द टेल अगर हम देखते हैं जैसे कि सलेमेंडर है देन क्रोकोडाइल इनमें टेल पाई जाती है तो फ्यू एक्सेप्शन के साथ बाकी सब में नहीं होती है दे आर हैविंग द लिम्स ऑलरेडी हम टेट्रा पोट्रा का एग्जाम्पल क्लास में देख रहे हैं इसको तो दे आर हैविंग द टू पेयर्स लिम्स में आगे के दो होते जिन्हें कहते हैं फोर लिम ये होते हैं पैक्टोरल यानी यहां से फॉर्म किए जा रहे हैं और नीचे वाले जिसे हिंड लिम कहते थे आर आर Pelvi, okay? and से रिस्पेक्टिवली बनाए जाते हैं और इन दोनों जोड़ी का काम होता है लोकोमोशन फ्रॉम वन लोकेशन टू द स्किन ऑफ दिस एनिमल्स जो एम्फीबिया में होते हैं दे आरविंग स्किन हमेशा गीली होती है क्योंकि उसके, उनके स्किन के ऊपर वहां पर ग्लैंड होते हैं म्यूगस सिक्रीट करने वाले ग्लैंड हमको मिलते इसलिए कंटिन्यूअसली ड्राई नहीं होती है मॉइस्ट होती है क्यों क्योंकि इनके बाहर कोई एक्सोस नहीं है क्योंकि सिक्रीशन इज कंटिन्यूसली रन बाई दिस

दे आर हैविंग द वन कॉमन चेंबर जिसे क्लोका कहते हैं जिसके अंदर अब देखो ये कैसा कॉमन चेंबर है जिसके अंदर हमको किडनी का प्रोडक्ट वहां जमा किया जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्ट भी वहां जमा किया जाता और गैमेट्स को भी वहां जमा तीनों को कॉमन रास्ते से बाहर निकाला जाता उस कॉमन चेंबर को कहते हैं क्लोका सी कॉमन क्या है एक तो हम देखते हैं यहां पर है यहां पर, यह पर टेस्टिंग यानी इनके स्पर्म्स भी आकर यहां जम रहे हैं ये है क्लोका यहां से किडनी का हम देखते हैं कि इनका यूरिन जो निकल रहा है यूरेटर से यही जम रहा है उसके बाद हम देखते हैं कि है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रेक्टम है ये यहीं आ रहा है सो दिस इज द कॉमन चेंबर एजो क्लोका ये यहां पर प्रेजेंट होता है सी देन सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज टाइप का है दे आर हैविंग द थ्री चेंबर्ड हार्ट एन वेंट्रल इन पोजिशन इनमें तीन चेंबर का हार्ट होता है दो एट्रिया

क्योंकि इनका एनिमल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी है और एक्वेटिक भी है इसलिए इनके अंदर मोड ऑफ रेस्पारेशन स्किन से भी किया जाता है लंग से भी करते हैं एंड अ बको फैरिंग्स भी ओके okay, स्किन से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं दे आरविंग द स्पेशल लंग्स ऑल्सो और बक्कल एंड फैरिंग्स कैविटी जो होती है यहाँ से भी ये किया करते रहते हैं सो द नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ द क्लास एम्फीबिया द नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप इन एनिमल्स में नर्वस सिस्टम को अच्छा डेवलप किया गया है

पहले एक हेच होने के बाद लार्वल स्टेज बनता है लार्वल स्टेज के अंदर दुम होती है जो कि बाद में मेटामॉर्फिस में इनकी निकल चले जाती है जैसे कि एग्जाम्पल बिकम द एडल्ट ये 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 डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है यहाँ पर क्योंकि लार्वल स्टेज से मैच्योर होते बाद में एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लास एम्फीबिया इट इंक्लूड द नंबर वन इज अ राना जिसे एग्जाम्पल इज द फ्रॉग द सेकेंड एग्जाम्पल इज द बफो टोड एग्जाम्पल है टेट्रापोडा के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है लेकिन ये एक्सेप्शनल है जिसमें लिम्ब नहीं है लिमलेस कहा गया ओके ट्री फ्रॉग हाइला दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द्लास एम्फीबिया नाउ हमने टेट्रापोडा में पहला क्लास स्टडी किए एम नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड क्लास रेप्टीलिया अब इनके अंदर जो पाए जाने वाले एनिमल्स होते आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी लैंड पर ये हमको देखने को मिलते ट्रू टेरेस्ट्रियल होते हैं लेकिन कुछ मेंबर्स है इनके जो एक्वेटिक है फ्यूआर फ्यू दे आर द एंड सम आर द सेमी एक्वेटिक आल्सो कुछ मार्सी प्लेसेस पे भी होते हैं कोल्ड ब्लडेड इनका स्नेक हम देखते कि जहाँ पर लिम्स नहीं होते हैं। लेकिन ये भी अपने बेली का यूज कर ही आगे हैं। the limbs अगर है तो दे आर पेंटाडेक्टिल पेंटाटिल मतलब दे हर उंगलींटेड नेल पर पर होता है जिसे क्लॉ कहते हैं इसकी मदद से एक तो वो चलते है या दे कैन क्रिप ऑन ट्रीज और ऑन एनी वॉल और एनीथिंग ये चलते हैं उनको हेल्प किया जाता है स्किन जैसा हमने एम्फिविया में देखे कि मॉइस्ट है ग्लैंडुलर है लेकिन यहाँ पर स्किन इनकी ड्राई होती है कोई ग्लैंड नहीं है क्योंकि स्किन के ऊपर यहाँ पर एपिडर्मल स्केल्स होते हैं किसी में स्क्यूट होते हैं किसी में शील्स होते हैं किसी में प्लेट्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमको इन एनिमल्स के अंदर लेकिन स्किन इनकी ड्राई है नॉन ग्लैंडुलर होती है ओके देन द लिजर्ट एंड द स्नेक दे शेड स्किन इन एनिमल्स के अंदर अपने एक ड्यूरेशन के बाद अपनी स्किन को ये शेडिंग करते रहते हैं और उनके अंदर नया लेयर का फॉर्मेशन होते जाता है so, एक खास स्पेशल कैरेक्टर एफ के अंदर हमको देखने को मिलता है टिम्पैनम इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन दिस मेंबर ये एक इनका अ कान का रिप्रेजेंट करता है जिसके से इनको आवाज सुनाई देती है द हार्ट इज टू कंप्लीट ऑरिकल्स देखो यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है दो कंप्लीट ऑरिकल्स के चेंबर होते हैं लेकिन वेंट्रिकल्स आर इनकंप्लीटली पार्टीशन एक्सेप्ट क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल छोड़कर क्रोकोडाइल में कंप्लीटली पार्टीशन होता है सो दीज आर हैविंग द टू क्लियरली देखो यहां पर यह एट्रियम ओके राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम िकल दिस इज इनके बीच में जो पार्टीशन होता है दिस पार्टीशन इज इनकम्प्लीटली सेपरेड देखो इनकम्प्लीट से लेकिन वही अगर हम देखेंट स्नेक टर्टल के अंदर लेकिन अगर हम क्रोकोडाइल में देखते हैं तो पार्टीशन बड़ी क्लियर है यहाँ पर देखो ये लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज द राइट एट्रियम देखो इनकी पोजिशन देखो यहां पर कहां राइट एंड लेफ्ट एट्रियम एक ही तरफ लाए गए लेकिन इनके अंदर ये सेपरेट हो गए राइट वाला राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट हुआ ये लेफ्ट वाला लेफ्ट से और इनके बीच में है क्लियरली सेप्टम इज वेरी क्लियर एंड कंप्लीट तो इम्परफेक्टली फोर चेम्बर्ड है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल ओके क्या मैं ये रेप्टिलिया के अंदर है आप चेम्बर में हार्ट में चेम्बर कितने बन रहे देख रहे हैं द ब्रेन इज वेल डेवलप इनके अंदर भी ऑल फैक्ट्री लोब्स को वेल well डेवलप करा गया देखो यानी सूंघने की जो एबिलिटी है इनकी स्मेलिंग सेंसेशन को बढ़ाया गया एंड बैलेंसिंग दैट इज अ सेरिबेलम तो ये अच्छा बनाया गया ब्रेन uh, में ऑल फैक्ट्री यहां पर है एंड दिस इज द ये दो को अच्छा डेवलप कराएगा इन एनिमल्स में देन सेपरेट है इनके अंदर भी सेक्सुअल डायमोरफिज काफी क्लियर प्रोमिनेंट बिल्कुल क्लियरली हमको दिखते हैं फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट इन साइड द फीमेल जनाइटल ट्रैक किया जाता है दीज आर ओवी पैरस ये अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं ओके okay, ज्यादातर लेकिन कुछ है जो कि अंडे ने डायरेक्टली बच्चे पैदा करते हैं जैसे कहते हैं एग्जाम्पल वाइपर दे शो द पैरेंटल केयर देखो इससे पहले वाले किसी भी हमने आ, एनिमल के ग्रुप में ये कैरेक्टर नहीं देखे अब यहां हम देख रहे हैं कि द एनिमल्स आर हैविंग द पैरेंटल केयर अपने बच्चों को ये केयर करते जब तक वो छोटे हैं बाद में बड़े होने के बाद वो अपना अपना देखना शुरू कर देते हैं देन एग्जांपल्स ऑफ दफ क्लास रेप्टिलिया नंबर वन इज अ नाजा नाजा द एग्जांपल कोबरा ये इसी के अंदर इंक्लूड किया गया है देन हिमेडेक्टिलस जिसे हम कॉमनली वॉल लिजर्ड कहते हैं देन केलोनिया टर्टल देन द क्रोकोडाइल देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ टॉर्टाइस दिस इज ऑल्सो द मेम्बर ऑफ रेप्टेलिया कैमिलियन ट्री लिजर्ड जिसे हम कहते हैं दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस मेंबर देन बंगारस जिसे क्रेट स्नेक कहते हैं वे इसके अंदर इंक्लूड किया गये। Then the last example is Vipera, Viper. ये भी इसी का एक है। गयाउट नाउ थर्ड क्लास अंडर लास्ट बट वन इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ क्योंकि टेट्रापोडा दो आगे के दो पीछे के दो फोरली में दो में तो फोर फोरलिम को यहां मोडिफाई किया गया दिस आर द फोरलिम मोडिफाई किया गया फॉर द पर्पज ऑफ फ्लाइंग ऑस्ट्रिच के अंदर ये मॉडिफाई नहीं किया गया बट दिस अदर मेंबर्स मेंबर्स ऑफ द द एवियन आर हैविंग दिस मॉडिफिकेशन हिंड लिम्स का यूज किया जाता है दिज आर द हिंड लिम्स दिस हिंड लिम्स दे आर यूज्ड फॉर द वॉकिंग किसी चीज को पकड़ने के लिए जैसे कि ब्रांचेस वगैरह को या जिस पर बैठते हैं उसको गचकर पकड़ने के लिए, लिए यूज किया जाता है या दौड़ने के लिए भी यूज करते हैं अगर ये एनिमल्स एक्वाटिक है तो दे आर हैविंग द स्पेशल वेब टोस के बीच में एक पर्दा मेम्ब्रेन बनती है जिसे वेब कहते हैं जिसकी वजह से आसानी से पानी में स्विमिंग करने में इनको सपोर्ट करती है दीज एनिमल्स आर ऑल्सो द स्ट्रीम लाइन बॉडी क्योंकि हवा में जब उड़ते हैं तो हवा का जो अपोज होता है इसको वो उसके रेजिस्टेंस से बचने के लिए स्ट्रीम लाइन बनाया गया दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स होमो होम्योथ मतलब दीज एनिमल्स आर हैविंग द वार्म व्लडेड अभी तक हमने कोल पॉइकिलोथर्मिक हम एक्सोस्केलेटन बॉडी के ऊपर यहां पर फीदर्स लगाए गए पैरों के ऊपर स्केल्स लगाए गए पैरों के ऊपर पर पर स्केल्स होते और यहां पर होते हैं हैं और जो इनके बॉडी का प्रोटेक्शन का काम करता है एक्सोस्केलेटन इन एनिमल्स की बॉडी का अगर डिविजन हम देखते हैं तो इनमें हेड हमको नेक ट्रंक एंड टेल क्लियरली हमको देखने को मिलता है हेड नेक ट्रंक एंड टेल ये क्लियरली कैरेक्टर्स हमको इनमें देखने को मिलते हैं दी स्किन इज थी ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर इनकी स्किन काफी पतली होती है और कोई सिक्रेशन नहीं ड्राई होती है एक बॉडी का पार्ट छोड़कर वो होता है टेल रीजन बस इसका टेल रीजन जो होता है जहां पर ऑयल ग्लैंड यानी जिसका नाम है यूरोपाइजियल ग्लैंड ये देखिए ये पीछे वाले यहाँ पूरा ड्राई है ये लास्ट एंड वाले को जूम करें तो ये ऐसा दिखता है तो ये वो रीजन है जहां पर ये एक ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड यहाँ पर यूरोपाइजियल ग्लैंड हमको देखने को मिलती है बाकी जगह सब पूरी ड्राई यहाँ पे होती है इन एनिमल्स के अंदर वेट कम कराने के लिए इनके बोन्स को खाली कराया गया इसे एयर कैविटीज होते हैं और ये न्यूमैटिक बोन कहा जाता के अंदर होता है फुल होते, इन होते, इनको वेट कम करना था। इनके अंदर वेट कम करने के लिए जॉज क्योंकि ये के अंदर रखा गया इसलिए जॉज में से तीत को निकाला गया और उसको मॉडिफाई कर बिक में फॉर्म कराया गया तो ये एक मॉडिफिकेशन हमको देखना है क्यों

एंड हार्ट इज परफेक्टली फोर चेम्बर दो एट्रिया दो अब तक हमने दो चेम्बर देखे फिर इम परफेक्ट देखे तीन देखे इम्परफेक्ट देखे परफेक्टली फोर चेम्बर वेवस के अंदर हमको देखने को मिला है the circulation is double. अभी तक हमने देखे क्लोज एंड सिंगल यहाँ पर सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन आ गया रिस्पायरेशन इज डन बाय द लंग्स देखो यहां पर लंग्स बनते हैं

सेक्स पर प्रेजेंट होते हैं जिसकी मदद मतलब से ये एनिमल को ऊपर हवा में फ्लोट करने में बैलेंसी के लिए सपोर्ट करता है जरूरत नहीं थी इसलिए इनको यहाँ पर बैलेंसिंग की ज्यादा जरूरत है इसलिए सेलम को डेवलप कराएगा देखो यहां ऑल फैक्ट्री नहीं है बट डेवलपमेंट ऑफ सेरीबेलम इज डन सेम को अच्छा डेवलप कराएगा क्योंकि ये उसको बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है इनमें भी सबसे सेपरेट से से देने वाले फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल इन साइड द बॉडी पैरेंटल केयर इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन दिस एनिमल बहुत अच्छे से पैरेंटल केयर होता है इन एनिमल्स के अंदर आप देखिए आपके सामने

देखने इन एनिमल्स का वेट करने कम करने के लिए बोन में से बोन मैरो निकाला गया जॉज में से तीत निकाले गए और यहां पर प्लस यूरिनरी ब्लैडर को भी निकाला गया सी यह है यहां पर किडनी यह है यूरेटर यूरेटर का बाद में देख रहे क्लोका के अंदर डायरेक्टली यूरिन को छोड़ा जाता यूरिनरी ब्लैडर इनमें नहीं है फीमेल अगर यानी फीमेल एनिमल है तो उसके अंदर सिर्फ एक लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट होता है राइट वाले को निकाला गया क्यों निकाला गया टू रिड्यूस द वेट क्योंकि इनको फ्लाइट करना है उड़ना है इसलिए इनके अंदर वेट कम कराया गया दिस सी है ये है एक फीमेल यूरिनोजेनाइटल uh, ये मेल का था फीमेल के अंदर हम देखते हैं कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओनली द लेफ्ट ओवरी ओके और ये ओवी का यहां पर यहां पर ये ओविडक्ट दिस इज द लेफ्ट ओवेडक्ट ओके okay. राइट right वाले में यहां पर रेमनेंट है रोडिमेंटरी इमेच्योर है जो कि यहां पर नहीं होता सिर्फ एक ही साइड का यहां रखा गया क्यों क्योंकि इनके बॉडी का वेट कम करना था ताकि आसानी से ऊपर उड़ सके ओके एग्जांपल्स ऑफ क्लास एव्स नंबर वन इज अ पिजन ये इन एनिमल्स इनमें इंक्लूड किया गया द पैरट देन द कीवी देन

क्लास मेमरिया के अंदर हम देखते दे आर हैविंग द मेमोरी ग्लैंड्स ये स्पेशल कैरेक्टर इनके अंदर होता है जिसे हम कहते हैं मेमोरी ग्लैंड एक मॉडिफाइड ग्लैंड्स होते हैं जिसका काम होता है टू नरिश द यंग अपने यंग वंस को नरिश करने के लिए ये यूज डेवलप किया जाता है इनके अंदर ग्लैंड्स का मेमरी ग्लैंड एवरीवेयर इसे ओमनी प्रेजेंट कहते हैं कभी हमको टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में भी है कुछ पानी में भी है

दिस आधा एक्सोस्केलेटर ऑब्जर्वेड इन द मेमेलिया स्किन इस ग्लांडुलर इनके स्किन पर ग्लांड्स होते जो कि स्वेट सिक्रीट करने वाले ग्लांड्स हैं जिनको हम कहते हैं स्वेट ग्लांड्स और कुछ जो तो ऑयल सिक्रीट करने वाले थे उसे थे सेबेशियस ग्लांड ये स्किन के पर हमको एनिमल्स में देखने मिलता है �

सब में यहाँ पर एक एक्सटर्नल एयर पिना जैसे हमने इससे पहले के, के इन एनिमल्स में टिम्पेनिक और बाहर एक टू कलेक्ट द साउंड एक एक्सटर्नल एयर पिन्ना यहाँ बनाया गया इनके अंदर के दांत जो होते हैं सब एक जैसे नहीं होते सो दे आर एक जैसे की नहीं होते इसका शेप भी अलग है फंक्शन भी अलग है जैसे इंसिधर कहते हैं इंसीजर उसके बाद के पॉइंटेड होते क, ये आ, कट आ, ये फाड़ने के लिए होते है कट करने के लिए होते हैं ये टुकड़े करने में ये भी ग्राइंडिंग करने में होते हैं केनाइन इनसीजर केनाइंस प्रीमोलर एंड मोलर अलग अलग शेप है फंक्शन है इसलिए इनको हेट्रोडॉन्ट कहा जाता है इनके आरबीसी बाइकॉनकेब देखो अब तक जितने हमने कैरेक्टर्स देखे सब में बायोनवेक्स था और न्यूक्लियस था लेकिन यहां पर कैसा है इन्यूक्लियटेट का मीनिंग ये है कि इनके इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस था लेकिन मैच्योरिटी में निकाल दिया जाता है और दो मैमल छोड़कर जैसे कि कैमल एंड अलामा दिस इज द बाय कैमल एंड लामा इनके अंदर बाय कॉन्वेक्स होता है एंड होते है, ओके ये डिफरेंस है द द ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू आरबीसी प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन पिगमेंट्स होते हैं हार्ट इज परफेक्टली फोर चेम्बर्ड एंड वेंट्रल इन पोजिशन दो एट्रीवेंट्रिकल और वेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट रहेगा रेस्पिरेशन इज डन बाय द लंग्स ये डॉल्फिन का एग्जाम्पल इसलिए हमने लिया कि दूसरे एनिमल्स तो होते हैं जनरली हमको हम so the well याद रखना इनके अंदर डेवलपमेंट में ब्रेन के खास चीज हमको प्रेजेंस ऑफ कैलोसम सब चीजें अच्छी डेवलप करेगी खास यहाँ पर सेरिब्रम में हम देखते द प्रेजेंस ऑफ अ एलिफेंट का डॉग का, है, है, है uh, macacus, then mouse, then लेकिन सब में अगर हम देखते हैं जिसे कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल फिशर लॉन्जिट्यूडनल फिशर को अगर हम खोल कर देखें तो ऐसा लगता है कि ये एक हेमिस्फीयर दूसरा जाएगा लेकिन अंदर एक आड़ी सी एक बैंड होती है ट्रांसवर्स नर बैंड होती है कॉर्पस 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 कैलोसम 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 हैं। ये का का होना ही एक का एक ब्रेन स्पेशल है, ओके? रखना डेवलपमेंट में पर, में पर पहले वाले बाकी जितने रहेंगे सबसे आधा कुछ और है जैसे marsupial animal, marsupial है uh, कि मार्सुपियल एनिमल मार्सुपियल प्लासेंटल नॉन प्लासेंटल जिसे हम कहेंगे जिसके अंदर

आ, उनके पाउच के अंदर की जाती है ओके देन नेक्स्ट कैरेक्टर मेजोरिटी अब ये तो कुछ है एग्जांपल जैसे कि पाउच है लेकिन मेजॉरिटी में हम देखते हैं कि दे आर हैविंग द प्रेजेंस ऑफ द प्लासेंटा तो डेवलपमेंट बेबी का नरिशमेंट जो है आ, वीवी पैरस के अंदर मदर यूटेरस के अंदर प्लासेंटा से ये है प्लासेंटा ये है अम्लिकल कॉर्ड इसके सपोर्ट से इसका नरिशमेंट किया जाता है इसको ट्रांस गैसियस एक्सचेंज होता है नाइट्रोजनस एक्सचेंज किया जाता है ये है यहां पर लासेंटल जिसे हम कहेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ इ क्लास मेमेलिया मेमेलिया के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे द नंबर वन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज जस्ट सी दिस इज हियर ही एग्जाम्पल देन सेकेंड इज रैट आपको सब कॉमन है बस आपको हम दिखा रहे हैं कि दिस इज द कैमल इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ अ मैमल देन अ वेल डॉल्फिन आर ऑल आल्सो द एग्जांपल ऑफ मैमल देन कैनिस डॉग दिस आल्सो एग्जांपल देन कैट देन नेक्स्ट एग्जांपल इज एलिफंट देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हॉर्स इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ मैमल एंड प्लेटिपस डि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए एक लिंग होते हैं दिस आर ऑल्सो द एग्जाम्पल देन कंगारू इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस फायलम और सॉरी दिस क्लास में लिया क्लास में मिले कि अलग अलग एग्जाम्पल हमको यहां पर देखने को मिलते है, okay? Now, uh, tetrapoda, tetrapoda हैं, ओके? नाउ जैसे कि वी चार क्लास को किए, so, uh, हमने ये यह को यहां पर कंप्लीट किए ये पूरे सुपर क्लास और उनके कैरेक्टर्स उनके examples को हमने यहां पर डिस्कस किए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और उसके लिंक uh, को शेयर करना भी मत भूलिए सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग एंड वॉचिंग द वीडियो थैंक यू